हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। मीरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आई हूँ आज कुर्ते की कटिंग और एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा और बहुत सुंदर तरीके से हमने ये कुर्ता बनाया और कुर्ता बना करके कंप्लीट किया बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको एक बार फोल्ड कर लिया और फोल्ड बड़े ही प्यारे तरीके से किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फोल्ड करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से अभी मैं डबल से फोल्ड कर लूँगी तो ये हमारी चार तह बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चार तह में तैयार कर लेना है। चार तह तैयार करते हुए बड़े ही, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने चार तह बना करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कटिंग करने से पहले अच्छे तरीके से नाप लीजिए आपको कितनी लेंथ और कितनी चौड़ाई रखनी है, चेस्ट कितने रखने होते हैं उसी के ही अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेंथ रखी 37। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेंथ रख दी। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि 37 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेंथ रखते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, और जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कटिंग कर लेना है क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा निकले हमें उसे कटिंग कर लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करते हुए और यहाँ से मैंने बिल्कुल इशार करते हुए, देखिए फ्रेंड्स, हमारा फैब्रिक में सिकुड़नपन है तो हम उसमें प्रेस करके तब कटिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी कटिंग होती है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको नाप लेना है इस तरीके से। पहले मैंने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने उसको कटिंग करते हुए यहाँ से शोल्डर रखूँगी 6 इंच, सॉरी यानी कि 3 शोल्डर मैंने 6 इंच रख लेने हैं, और 6 इंच रखते हुए शोल्डर यहाँ से आर्महोल रखूँगी यानी कि 6.5 इंच आर्महोल मैंने 6.5 इंच रख लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आर्महोल 6.5 इंच रखते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। बैक और फ्रंट मेरे दोनों ही है इसमें, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों को ज्वाइन करते हुए और इस तरीके से निशान लगाने के बाद, तो देखिए फ्रेंड्स, कमर हम रखेंगे यानी कि 9 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, कमर हमारी 36 है तो उसका चौथाई आएगा यानी कि 9 इंच, और चेस्ट हमारे 40 हैं तो उसका चौथाई आएगा 10 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोट नेक गला बनाया तो गले की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच और लेंथ ली है फ्रंट 4 इंच का, बैक 3 इंच का। तो देखिए फ्रेंड्स, बोट नेक गला बड़ा ही अच्छा बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कम डीप गले नहीं काटे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोट नेक गला थोड़े कम अच्छे रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने निशान लगाते हुए जहाँ पर हम चाक खोलते हैं वहाँ पर मैंने रखा यानी कि 10.5। तो ये हो गया हमारा 41 इंच, तो चौथाई में हमारा 10.5 ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाते हुए और अब हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने गला कटिंग करा जो हमारा बैक साइड का था, इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही हैं तो दोनों को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कटिंग करते हुए और ये कटिंग हमारी इस तरीके से हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट अलग कट कर दिया है और बैक अलग कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट अलग करते हुए और बैक अलग करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक और फ्रंट अलग अलग करते हुए तो दोनों को बैक का भी गला कट कर लिया मैंने और फ्रंट का भी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बैक का हमारा कम गहरा था यानी कि कम डीप था और फ्रंट का ज़्यादा था तो हमने बाद में कट किया है, और मुड्ढे भी हमें
यानी कि आर्म होल भी हमें कुछ ज़्यादा गहरे कट करने थे फ्रंट के, तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग करके कट कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने कट करते हुए अब ये मैंने फोल्ड करी बाजू। तो देखिए फ्रेंड्स इसको भी मैंने चार तह में बना करके तैयार कर दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। और चार तह में बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हमें 15 इंच चाहिए लेंथ में, तो हम इसको कटिंग करेंगे 17 इंच, क्योंकि हमारी आगे बाजू भी फोल्ड होएगी और ज्वाइंट भी होएगी, तो हाफ इंच हमारी फोल्ड ज्वाइंट होने में जाएगी और फोल्ड होने में हमारी 1 इंच चली जाएगी, 1.5 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स 2 इंच हमारा लग जाएगा, तो इसलिए हमारी कंप्लीट रह जाएगी 15 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कटिंग करते हुए और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बाजू को ढाल दिया बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने 20 सेंटर पर निशान लगा लिया। अब ये बाजू हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए फ्रेंड्स इस कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है और इस तरीके से कटिंग होते हुए और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये जो उरेवी पट्टी ले रखी है, तो उरेवी पट्टी देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेचुअल है, क्योंकि उरेवी पट्टी हम जब कट करते हैं तो वो स्ट्रेचुअल होती है। और स्ट्रेचुअल होते हुए देखिए फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करते हैं, तो हमने कई सारी पट्टी ज्वाइन कर ली है, तो कई सारी पट्टी हमने एक साथ ज्वाइन करते हुए इसको हम गला इन पट्टियों से हम गला बना करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स गला हम कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक लंबी सी पट्टी बना ली यानी कि उरेवी पट्टी की। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गला है और हमने इसको उठाया और इस तरीके से सिल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फोल्ड करके ये पट्टी इस तरीके से सिल के तैयार कर ली और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर फोल्ड करते हुए और देखिए इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी पट्टी से नीचे सिलाई ना उतर जाए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से दावन फोल्ड कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको फोल्ड करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स कुछ ही समय में हमारा कुर्ता कंप्लीट होने जा रहा। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मेरा कुर्ता ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कुर्ता बना करके तैयार किया है। कितना सुंदर कुर्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत कम समय में सुंदर सा कुर्ता हमने बना के तैयार किया। तो देखिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय। हाँ फ्रेंड्स इस तरीके से